रिव्यू शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिव्यू वाले। और आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा 2M जो कि आती है फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ और अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए। एंड दोस्तों, दिस अर्टिगा 2M इज बेस्ड ऑन VXI वेरिएंट। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में मिल जाते हैं ड्यूअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद हैलोजन बल्ब, एक स्मोकी ब्लैक फिनिश दी गई है अंदर, एंड बीच में सुजुकी का लोगो है, एक वेरी प्रीमियम लुकिंग क्रोम स्टडेड ग्रिल जो कि देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगती है। और बात करें फॉग लैंप्स की, तो फॉग लैंप्स इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। बॉडी कलर्ड बम्पर मिल जाता है, हेड प्रोफाइल ऐसी कुछ आपको दिखती है, बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। टायर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 185/65R15 प्रोफाइल के 15 इंचेस स्टील व्हील मिलते हैं विद व्हील कवर। ये मिल जाता है फ्यूल टैंक, पेट्रोल फ्यूल टैंक मिलता है, इसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। CNG टैंक मिलता है, CNG टैंक की कैपेसिटी 10.86 किलोग्राम की, विच इज इक्विवेलेंट टू 60 लीटर्स ऑफ वाटर। साइड प्रोफाइल में ये जो बैक किट है ये आपको बहुत बड़ा दिखता है। एक्चुअली मैं ये खोलोगे जब आप, मैं दिखाऊंगा कितना बड़ा है ये। पहले बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल की। बैक में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है विद हाई स्टॉप लैंप, 3D LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, 2M का स्टिकर मिल जाता है, 4-point रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड बम्पर मिल जाता है, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और क्योंकि ये CNG वेरिएंट है इसलिए CNG का स्टिकर भी देखने को मिलता है। वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अब बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो सेफ्टी फीचर्स के नाम पे आपको मिलता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, एंटी थेफ्ट डिवाइस, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, डोर अजार वार्निंग, क्रैश सेंसर, सेंट्रल माउंटेड फ्यूल टैंक, इंजन चेक वार्निंग, EVD, हेडलैम्प ऑन एंड की रिमाइंडर। तो भाई बिना किसी देरी के देखते हैं इंटीरियर्स। इंटीरियर आपको मिलते हैं ड्यूअल टोन कलर में, बेज और ग्रे कलर की फिनिश में। पूरा आपको बेज कलर का डोर मिलता है, साइड में ग्रे कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और ORVM एडजस्ट करने के। आपको दोनों ही इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल मिलते हैं। यहाँ पर स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिल जाएगी, बोतल होल्डर मिल जाएगा और मैगजीन होल्डर भी देखने को मिलेगा। बात करें पूरे कैबिन स्पेस की, काफ़ी बढ़िया कैबिन स्पेस मिलता है और पूरी बेज कलर का आपको फैब्रिक देखने को मिलेगा। सीट्स की बात करें, काफ़ी सपोर्टिव सीट हैं और आपको बढ़िया थाई सपोर्ट देखने को मिलेगा। लंबर सपोर्ट और थाई सपोर्ट दोनों बढ़िया मिलेगा। तो भाई अब आगे देखें तो इस इंटीरियर में, तो भाई इसमें जो AC वेंट्स दे रखे हैं आपको वो ब्लैक कलर के दे रखे हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर के AC हैं, उसके ऊपर ग्रे कलर की फिनिश और नीचे भी। यहाँ पर आपको CNG टू पेट्रोल शिफ्ट करने का बटन मिल जाएगा, हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा और एक छोटा सा स्पेस देखने को मिलेगा, आप कुछ अपना कार्ड वगैरह रख सकते हो। नीचे आपको पेडल्स देखने को मिलेंगे, डेड पेडल नहीं मिलेगा। अब सीट की एडजस्टमेंट आपको सिर्फ रिक्लाइनर एडजस्ट मिलेगी, कोई हाइट एडजस्टेबल नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर इसके अंदर बैठ के देखें तो बात करें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, ये आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। बाकी बीच में MID में आपको सारे फंक्शंस शो होंगे, CNG कितनी बची है और पेट्रोल कितना बचा है। यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलेगा और यहाँ पर कोई आपको बटन देखने को नहीं मिलेंगे। और भाई ये स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर और अर्टिगा में सेम से स्टेयरिंग व्हील मिलते हैं, कलर का डिफरेंस मिल जाएगा आपको बस और कुछ नहीं है। और स्पीडोमीटर और टैकोमीटर भी सेम ऐसा ही मिलता है। ये आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा जो कि आपको नॉर्मल मिलेगा, इसमें ब्लूटूथ USB और ऑक्स इनपुट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैनुअल AC देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर पावर आउटलेट्स दे रखे हैं, दो बोतल होल्डर्स हैं जिसमें आपको कूलिंग का फंक्शन भी मिलता है। गियर नॉब पर आपको ग्रे कलर की फिनिश देखने को मिलेगी और ऊपर ब्लैक कलर की, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। आगे चले तो हैंड ब्रेक के नीचे थोड़ा सा आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा और हैंड ब्रेक की फिनिश भी अच्छी है, कोई आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा और पीछे पावर आउटलेट भी मिल जाएगा। अब म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम मिलेगा 4 स्पीकर्स के साथ, कोई टच स्क्रीन नहीं है, बाकी जो बटन्स हैं वो टच हैं और कुछ नहीं है। छोटी सी आपको LED स्क्रीन मिलेगी, ये ब्लैक कलर के AC वेंट्स। और भाई डैशबोर्ड क्वालिटी आपको बढ़िया मिलती है, मतलब ज़्यादा खास भी नहीं है, अबव एवरेज आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। इसके नीचे चले तो आपको नीचे ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बढ़िया डिसेंट स्पेस देखने को मिलेगा। एक ही आपको म्यूजिक सिस्टम का रिमोट जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है और बाकी इसमें आपको गाड़ी की मैनुअल वगैरह देखने को मिल जाएंगी।
और भाई ऊपर से आपको डैशबोर्ड पूरा फ्लैट डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। बात करें ऊपर, यहाँ पर आपको नॉर्मल टिकट होल्डर देखने को मिलेगा, कोई मिरर या कोई लैम्प देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर IRVMs आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेंगे, कोई ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको नॉर्मल लैंप्स मिलेंगे, कोई LED का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करती है कंपनी। यहाँ पर वैनिटी मिरर दिया गया है बट विदाउट लाइट के, जो कि एक कॉस्ट कटिंग है भाई। इस वेरिएंट में कम से कम दे देना चाहिए था। अब भाई जैसा कि ये कमर्शियल वेरिएंट है तो इसमें क्या होता है, स्पीड लिमिट 80 km/h सेट होती है। पीछे के डोर्स आपको पूरे बेज कलर के दिखते हैं, काफ़ी सिंपल सा लुक लगता है, कोई कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता। यहाँ पर आपको नॉर्मल बोतल होल्डर मैगजीन होल्डर देखने को मिलेंगे और विंडो एरिया भाई काफ़ी बड़ा दे रखा है, जो कि आपको एरी फील आता है। और पूरे बेज कलर की होने की वजह से आपको क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है और पूरा एरी कैबिन रहता है और स्पेस की भी कमी नहीं लगती है। सीट्स को आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से और रिक्लाइनर भी एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा, आर्मरेस्ट भी कंपनी प्रोवाइड करती है सीट्स पर, और स्पेस आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया सीट आगे पीछे कर सकते हो, तो अगर आपको पीछे थोड़ा बड़ा बंदा बैठा है, पीछे बच्चे से थोड़ा बड़ा, तो भाई आप अपने हिसाब से उसको आगे सीट खिसका सकते हो। या अगर आपको कंफर्टेबली चार बंदे बैठ के जा रहे हो तो पीछे आराम से इसको खिसका के आराम से रेस्ट करते हुए जा सकते हो। यहाँ पर वही पावर आउटलेट देखने को मिल जाएगी और कुछ नहीं है कुछ ज़्यादा। और जो आपको फ्लोर है काफ़ी फ्लैट मिलता है, जो कि तीसरे पैसेंजर को बैठने के लिए आसानी होती है। ऊपर आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, जो कि आप ब्लोवर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसमें आपको भाई 3 लेवल मिल जाएंगे, 1, 2 और 3, एक पर आपका ऑफ हो जाएगा। या आपको 4 AC वेंट्स मिलते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, काफ़ी अच्छी कूलिंग बना के रखता है कैबिन में। अब आपका कुछ ऐसा लुक आएगा अगर आप पीछे से डैशबोर्ड को देखते हो, काफ़ी भाई प्रीमियम इंटीरियर और रिच लुक लगता है। अगर हम इस साइड से देखें, अब ये सीट हम आगे पीछे करेंगे। अब नॉर्मली मैं अगर पीछे जाके बैठने की कोशिश करूं, देखता हूं कि कितना स्पेस है, तो आप इसको आगे खिसका के ये फोल्ड ऐसे हो जाती है। अब आप इसमें आराम से पीछे मूव कर सकते हो। अब जैसे पीछे बैठने के बाद आपके लिए भाई कोई स्पेस बच्चों के लिए ही ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को, मिडल सीट्स को आप आगे खिसका सकते हो, ठीक है। अब जैसे विजय भाई बैठे तो इनकी हाइट 5'7" है, तो 5'7" के हिसाब से भी इनके पैर आगे लग रहे हैं, तो भाई पीछे बच्चों के लिए ही है। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर और ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे और पीछे भी आपको विंडो एरिया देखने को मिलेगा, जो कि पीछे वाले पैसेंजर को आपको फील नहीं होगा कि भाई स्पेस की कमी है या फिर अंधेरा महसूस नहीं होगा कैबिन में, ठीक है। तो भाई कुछ ऐसा आपको स्पेस देखने को मिलता है इस गाड़ी में, और या आप ऐसे इसको सीट को ऊपर कर सकते हो, ऐसे नीचे फोल्ड हो जाएगी और ऐसे ही पीछे सेट हो जाती है भाई। आराम से अपने हिसाब से सेट करो और गाड़ी आराम से लेके जाओ जहाँ जाना है। बात करें अब बूट की साइड चलते हैं, तो कि भाई जैसे कमर्शियल CNG वेरिएंट है, तो इसमें आपको CNG सिलेंडर काफ़ी क्लेवरली प्लेस करके दिया है कंपनी ने आपको। अब जैसे ये कवर कर देंगे, इसको कवर करने के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका सिलेंडर इसमें है भी या नहीं है। अराउंड आपको अगर सिलेंडर ये रखा हुआ है, आपको 209 लीटर का स्पेस मिल जाता है, जो कि अब सफिशियंट है यार। सिलेंडर रखने के बाद भी आपको इतना स्पेस तो मिल ही जाता है, अगर आप टूर एंड ट्रैवल में कमर्शियल में यूज़ होएगी ये, तो आपको स्पेस भी की भी कोई कमी नहीं है। टूल बुक्स भी साइड में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको पूरा फोल्ड कर देते हो तो आपको 550 के अराउंड मिल जाएगा स्पेस, अगर आप थर्ड रो को भी फोल्ड कर दोगे। थर्ड रो आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, आपको 550 के अराउंड 550 लीटर के अराउंड आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप दोनों रो को अगर आप फोल्ड कर दोगे तो आपको 800 लीटर के अराउंड स्पेस देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसा लगता है भाई सब कुछ ये थर्ड रो को फोल्ड करने के बाद। यहाँ पे आपको बेज कलर की कवरिंग मिल जाएगी बूट लिड पर, यहाँ पर आप इसको खींच के बंद कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई बैक कैमरा देखने को नहीं मिलेगा इस वेरियंट में। अब भाई बात करें इंजन ऑप्शन की, इसमें मिलता है आपको 1.5 लीटर का BS4 इंजन। हाँ भाई BS4 CNG में आपको BS4 इंजन मिलेगा और पेट्रोल में आपको BS6 इंजन मिलेगा। तो भाई CNG में पावर प्रोड्यूस करता है 103 BHP की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और आपको जो कंपनी एवरेज क्लेम करती है वो करती है 26 km/kg के अप्रोक्स क्लेम करती है, बाकी आपके ड्राइविंग बिहेवियर के अनुसार भाई एवरेज डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने यहाँ तक देख लिया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारी बाकी वीडियोस पर भी
जाकर देखो और उनको भी लाइक करो, शेयर करो और उनपे कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।